असलामुअलैकुम, बख्तावर महमूद है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग तो नहीं, खैर मैं काफ़ी दिनों से ये बात भी सुन रही थी कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स चाइना वापस जा रहे हैं अपने MS और PhD कंप्लीट करने के लिए, उन्हें क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। पहले तो लेके ही नहीं जा रहे थे, और जब लेके जा रहे हैं तो वीज़ाज़ और NOCs और पता नहीं क्या क्या इशूज़ आ रहे थे। ये तो चलो चाइना की साइड से थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग द PIA, दे आर चार्जिंग दीज स्टूडेंट्स मोर देन 500,000 रुपीज़ फॉर वन टिकट, विच इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आप मिस कर देते हैं, बहुत मुश्किल से फ्लाइट भी मिल रही है, और ऑब्वियसली इन स्टूडेंट्स से जब आप चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने आगे जाकर अपने क्वारंटीन की अमाउंट देनी है। दिस इज सच अ बिगर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग एट दिस पॉइंट। और PTA गवर्नमेंट के दौर में भी हमने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए। तब कोविड जो था, इट वॉज़ एट द पीक, बट इस वक्त हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स का फॉल्ट है। किसी भी गवर्नमेंट इदारे ने इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, ना ही इनके NOCs के लिए, ना ही एम्बेसी में बात करने के लिए, ना ही चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात करने के लिए। और अब ले दे के जो एक चीज़ इनके पास रह गई वो यही है कि वो इन स्टूडेंट्स से 5 लाख का एक टिकट, जो कि हार्डली आई बिलीव 1 लाख में आपको रिटर्न टिकट मिल जाता होता है, 5 लाख का टिकट जो है, और जो कि अगर आपने मिस कर दी फ्लाइट तो आपको ऑब्वियसली रिफंड नहीं होगा। और ये तो एक फर्स्ट प्रोसेस, इसके बाद स्टूडेंट्स ने जाके वो अपने क्वारंटीन करना है, फिर वो अपने जिस डॉर्म में जाएंगे वहाँ पर क्वारंटीन करना है। हो सकता है होस्ट डॉर्म्स के बाद यूनिवर्सिटीज़ अपने भी कुछ क्वारंटीन के प्रोसीजर्स रखे। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट, दे हैव ऑलरेडी वेस्टेड 2 to 3 years ऑफ देयर प्रेशियस टाइम ऑफ देयर लाइफ टाइम, जो उनका करियर का पीक था उन्होंने वेस्ट कर दिया। काइंडली थोड़ी सी इंसानियत रखें, इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। अगर PIA फैसिलिटेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो इनको फैसिलिटेट करें।